मेरा एक्सपीरियंस सबसे डिफिकल्ट चीज मुझे कहाँ पे लगी है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे डिफिकल्ट मुझे टीबी डायग्नाइज होने में लगा था जब मेरा टीबी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हेडेक, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको अगर पल्मोनरी टीबी है तो उसका डायग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है। आपको सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं, अगर हम नॉर्मल पीपल से पूछे कि आपको टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं तो वो बोलते हैं कफ, कफ में ब्लड, ये सिम्टम्स होते हैं। तो पल्मोनरी के सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं और कफ के आपके सैंपल लेके डायग्नाइज थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसे आपके ब्रेन में, स्पाइन में या फिर आपके एब्डोमेन में जो टीबी है उसका डायग्नाइज करना ही थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डायग्नाइज करने में हुआ था, बिकॉज टीबी डायग्नाइज होने से पहले से ही मैं अराउंड 45 डेज आई वॉज अनकॉन्शियस, आई वॉज इन आईसीयू, मैं आईसीयू में थी। बट फिर भी मेरा टीबी डायग्नाइज नहीं हुआ हो रहा था, तो बहुत टाइम बाद मेरा टीबी डायग्नाइज हुआ। तो सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए चैलेंजिंग यही रहा था, पहले टीबी डायग्नाइज होना। उसके बाद जब टीबी डायग्नाइज हुआ, मैं 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद मैं घर में आए, तो मैं 6 मंथ्स जो है मैं बेड रिडन थी। तो 6 मंथ्स जब मैं बेड रिडन थी तो उस टाइम मुझे मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी थोड़े से हुए थे, बिकॉज आई वॉज 23 दैट टाइम। मैं 23 साल की थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मेरी मम्मी ने किए हैं मेरे लिए। तो बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं बड़ी होके जॉब करके पैसे कमा के मम्मी के लिए कुछ करूं। बट 23 की एज में जब मेरे फ्रेंड्स के जॉब्स लग रहे थे, सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा था, तब मैं बेड रिडन थी और इवन मैं वॉशरूम्स भी नहीं जा सकती थी। 6 मंथ्स तक मैंने सिर्फ वो दूसरा वाला शार जो बेड रिडन लोगों को ऐसे नहलाते हैं वैसा वाला किया है। एंड उस टाइम 23 की एज में मेरी मम्मी मेरे को खिला रही है, मेरे को क्लीन कर रही है, तो वो सब देख के मुझे मेंटली भी बहुत ज्यादा एक अफेक्ट हुआ था मेंटली। उसके बाद जो है मेरा 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के 9th मंथ में थी जब मैंने यूट्यूब पे अपना फर्स्ट वीडियो शेयर किया था अबाउट माई ब्रेन टीबी जर्नी। है अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी मेडिसिन में ले रही हूँ, बट काफी चेंजेस आए हैं उस टाइम से इस टाइम तक। मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया है, मेरे मेंटल हेल्थ भी अच्छा हुआ है, और अब लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज हम फाइट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपका सही टाइम पे आपका टीबी डायग्नाइज होता है तो टीबी के ट्रीटमेंट आपका आसान हो जाता है। जैसे इफ आई विल गिव माई एग्जाम्पल, तो मैंने टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से बाद में जितना सफर किया उससे पहले पहले मैंने ज्यादा सफर किया है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स से, उनकी फैमिली से मैंने बात किया है, उनकी डेथ हुई है ब्रेन टीबी में, उनमें बिकॉज उनका सही टाइम पे डायग्नाइज नहीं हुआ। मेरा भी अगर सही टाइम पे डायग्नाइज नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पेशेंट आई वॉज इन आईसीयू, आई वॉज अनकॉन्शियस 1 महीने से ज्यादा हो गया था, तब भी मेरा डायग्नाइज नहीं हो रहा था। तो सही टाइम पे जो है पकड़ना जरूरी है। और दूसरा बात ये भी है कि थोड़ा सा ये उससे पहले भी एक अवेयरनेस चाहिए हमारी सोसाइटी में, टीबी के लिए अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि लोग ना छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, फिर जब वो इग्नोर करते हैं, जब बढ़ते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तभी उनको वो होता है। तो अगर सब में अवेयरनेस होता है कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि टीबी का सिम्टम है, फिर जल्दी से वो टेस्ट करें, जल्दी से उनकी टीबी के मेडिसिन स्टार्ट होती है, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड का भी चांसेस कम हो जाता है। अगर पेशेंट को टीबी डायग्नाइज नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक पेशेंट अगर मेरे घर में है उसका टीबी डायग्नाइज नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो घर के पूरे पेशेंट को भी वो फैला सकता है ना, कम्युनिटी स्प्रेड का भी इसमें खतरा है। तो डायग्नोसिस सही से होना चाहिए। और अभी जो है माइक्रोस्कोपी तो पहले अभी 2015-16 तक भी होता था, अभी तो हमारा मेरा जब हुआ था मेरा वही हुआ था, ट्रू नैट हुआ था, सीबीना जीन एक्सपर्ट यही हुआ था, और अभी शायद सभी हॉस्पिटल्स में यही होता है। और जब भी टीबी का डाउट हो तो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट कराए वही बेटर है। हाँ बता। यस, कोई कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है उसका, लेकिन ये बरसों से यही सुनते आ रहे हैं ना कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। लोग सुनते हैं टीबी तो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, अभी तो इसके पास ही नहीं जाना है। मेरे साथ कभी पर्सनली ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज मेरा एक तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी था और दूसरा मेरी बहुत ही स्मॉल फैमिली और सोशल सर्कल भी एक बहुत ही स्मॉल है, जितने भी लोग हैं मेरे होम टाउन में है, रिलेटिव सब कुछ वहाँ है, हम लोगों का ट्रीटमेंट पूरा बैंगलोर में हुआ, तो वी आर फैमिली ऑफ 3 ओनली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी।
और ये जो है मैंने जो लोग रूरल एरिया से है, विलेजेस से है, वहां से मैंने सुना है। और लोग ना डायरेक्टली किसी किसी टीबी पेशेंट्स को, हमारे ग्रुप में एक है छोटा भाई है 17-18 इयर्स का, कुछ दिन पहले ही उस ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मैसेज भी है, वो ग्रुप में ऐसे बता रहा था कि मैं डॉट सेंटर गया था, मेडिसिन का शॉर्टेज चल रहा है अभी, एमडीआई टीबी के मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है। तो ही वाज सेइंग कि मैं डॉट सेंटर गया था, वहां के एम्प्लॉय ने मेरे फ्रेंड के साथ में गया था, मैं ही वेंट विद हिज फ्रेंड। तो वहां के एम्प्लॉय ने उसके फ्रेंड को बोला कि इसको टीबी है, ये तो मरने ही वाला है, तुझे भी लग जाएगा, तू तो दूर रहे, ऐसे करके। सो ये टाइप का स्टिग्मा होता है, और ये स्टिग्मा नॉर्मली विलेजेस में भी नहीं, उसके उसके साथ तो डॉट सेंटर में हुआ है, हेल्थ केयर में हुआ है उसके साथ, ऐसे स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों को ये साइंटिफिक रीजन समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि टीवी फैलता कैसे है, क्योंकि यहीं पे सारी गड़बड़ ना यहीं पे हो जाती है कि लोगों को लगता है कि एक ही टॉयलेट यूज करने से फैलता है, साथ में रहने से फैलता है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि टीबी ऐसे नहीं फैलता है, टीबी एक बैक्टीरिया जो आपके कफ करने से या फिर आप स्नीजिंग करते हो उस तरह से ही फैलता है। तो आपको अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेना है तो टीबी के पेशेंट के साथ आप जब वो आप मास्क लगाइए, उनका जूठा मत खाइए, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज को बहुत बड़ा के बहुत ज्यादा ही इसका मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट जब मेरी मुझे टीबी डायग्नाइज हुआ था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई टीबी डायग्नाइज होने के बाद, जब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी तब मेरी शादी हुई। तो इट डिपेंड्स ऑन लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है टीबी को लेके। तो मेरे इन-लॉज या फिर मेरे हस्बैंड, उनको पता था कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कंट्रोल होती है, ठीक होती है। तो मेरी शादी हो गई टीबी के बीच में ही, तो जब भी कोई मुझे बोलता है कि पास में लोग ऐसे बोलते हैं, तो मैं बोल देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ ऑडियंस में कोई टीबी पेशेंट देख रहा है तो वो भी इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। जब भी मुझे लो फील होता है, मैं अकेले कभी नहीं बैठती हूँ, मैं किसी ना किसी के साथ बात करती हूँ, जो भी मुझे फील होता है वो मैं शेयर करती हूँ, और वो शेयर करने के लिए सही इंसान भी आपको चाहिए होता है जो आपको समझे। तो मैं हमेशा, माई मदर इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं सारी चीजें मम्मी के साथ शेयर करती हूँ, अकेले कभी नहीं रहती। और सिंस मैं पेशेंट हूँ, नाउ आई एम नॉट वर्किंग, तो मैं इतना ज्यादा कर भी नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट जितना भी हो सकता है ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपना काम खुद से करूँ, वो मैंने 7-8 मंथ से ही करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपना काम खुद से करूँ, अपना ब्रेकफास्ट खुद से बनाऊँ, अपना खुद से करूँ जिस चीज में मुझे मन लगता है। मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं वो करती हूँ, और मुझे गार्डनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा लो फील होता है तो मैं क्या करती हूँ कि 5-10-15 मिनट मैं सोचती रहती हूँ उस बात को, फिर मेरे दिमाग में एक अलार्म जैसा बजता है कि अब ज्यादा नहीं सोचना है, अब इस चीज से निकल के कुछ पॉजिटिव में फोकस करना है। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, अब इतना छोटा सा पौधा भी उसको काट के फिर दूसरे गमले में डाल देती हूँ, तो वो वैसा करती हूँ मैं। मुझे भी लोग पूछते हैं कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो ऐसे करके, बट सच तो ये है ना सर कि कोई भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है, इवन बिना टीबी वाले लोग, नॉर्मल कोई बीमारी बिना वाले लोग भी पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अगर 90% नेगेटिव है और उसमें से अगर 10% कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं वो पॉजिटिव मिल जाऊँ ऐसे। और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसे एंजाइटी होती है, मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, एंजाइटी होता है, तो आप लोग जो है अपने हॉबीज को फॉलो करो, या फिर ट्राई टू डू थिंग्स बाय योर सेल्फ, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है। आप बेड रिडन होके भी अगर आप कुछ करना चाहो ना तो आप कर सकते हो, बेड से भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, तो टीबी ने लाइफ बर्बाद कर दी ऐसे में मेरा ऐसा सोचना था फॉर द फर्स्ट 6-7 मंथ। बट जब से मैंने यूट्यूब पे टीबी के बारे में लोगों से बात की है, दूसरे पेशेंट से बात की है, तो मुझे पता चला कि मेरा सफरिंग तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अभी मेरे एक भैया है, उनको मैं भैया बोलती हूँ, वो 3 साल से उनको ब्रेन ट्यूमर है, 3 साल से वो पैरालिसिस है, और अभी भी वो आईसीयू में है। कल ही मेरी उनकी मम्मी से बात हुई थी, अभी भी वो आईसीयू में है, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, सर्जरी में भी प्रॉब्लम हुई। तो कभी कभी अगर आपको फील हो कि मेरी लाइफ बहुत खराब जा रही है, तो कभी उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे भी ज्यादा सफर कर रहे, फिर आप थैंकफुल होगे कि आप बेटर प्लेस पे हो। मैं तो हर दिन भगवान का यही शुक्रिया करती हूँ कि मैं
आज जो भी हूं, मेरे को लगता है कि मैं अभी भी ठीक हूं, अभी भी अच्छे प्लेस पे ही हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, एक नए एपिसोड में एनटीबी डायलॉग्स के। हम लोग के साथ हैं आरती, जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और लंग्स टी और ब्रेन और स्पाइनल टीबी उसके ट्रीटमेंट में हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आरती आपका, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी। और मैं खास तौर से आपसे बहुत प्रभावित हूँ, पर्सनली आपका फैन भी हूँ, क्योंकि आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप जरूर जाके देखेंगे कितनी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में जो एक आम जन समझ सके, जुड़ सके, उसके साथ ये अन्य बहुत सारे विभिन्न मुद्दों के ऊपर न केवल अपनी अपने अनुभव साझा करती है, बल्कि बहुत सारी बातों के पर बात करती हैं। और बहुत से लोग जो टीबी के साथ जूझ रहे हैं या संघर्ष रहते हैं, वो इनसे बहुत सहायता प्राप्त करते हैं, और मेरे ख्याल से उनका मनोबल भी बहुत बढ़ता होगा। तो उसकी इस खास हिम्मत के लिए आरती आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। तो हम लोग, आप अगर कंफर्टेबल हो तो जरूर बताएं कि आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि हम लोग का मानना है कि जो लोग टीवी के साथ, जिनका डायरेक्ट सीधा अनुभव रहा है, वो सबसे जरूरी अनुभव है, वो सबसे जरूरी ज्ञान है, नॉलेज है, जो जो हम लोग के टीवी प्रोग्राम को शेप करने में, बेहतर बनाने में उसका उपयोग होना चाहिए। वो जानते हैं कहाँ पे उनको चुनौतियां आई, कहाँ उनकी प्रॉब्लम्स आई, कहाँ पर सुधार हो सकता है, जिससे कि जो हमारी टीवी सेवाएं हैं भारत सरकार की और दुनिया के सभी देशों की टीवी सेवाएं, वो बेहतर बने मरीज के लिए, जो लोग सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए। तो आरती, अब माइक्रोफोन आपके हाथ में। हाय, एक्चुअली मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीबी का, और टोटल कुछ खराब एक्सपीरियंस भी है, बट मैं ऐसा सोचती हूँ शायद मेरा नेचर ऐसा है कि कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो उसमें से मैं ट्राई करती हूँ कि अगर 90% नेगेटिव हो रहा है तो मैं उस 10% पॉजिटिव पे फोकस करूँ। शायद मैंने 2.5 ईयर्स की मेरी जर्नी में, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैंने वो 99% नेगेटिव में ना जाके मैंने 1% पॉजिटिव में ही फोकस किया है, जिसकी वजह से मैं आज ट्रीटमेंट में होते हुए भी दूसरे लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ एंड दूसरे लोगों से भी गाइड ले रही हूँ। समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम पेशेंट, मैं भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बट स्टिल आई एम गाइडिंग देम एंड दे आर ऑल्सो गाइडिंग मी। तो ये म्यूचुअल हमारा चल रहा है यूट्यूब पे या फिर हमारे ग्रुप्स पे। तो मेरा एक्सपीरियंस, सबसे डिफिकल्ट चीज मुझे कहाँ पे लगी है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे डिफिकल्ट मुझे टीबी डायग्नाइज होने में लगा था, जब मेरा टीबी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हेडेक, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको अगर पल्मोनरी टीबी है तो उसका डायग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है। आपको सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं, अगर हम नॉर्मल पीपल से पूछे कि आपको टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं तो वो बोलते हैं कफ, कफ में ब्लड, ये सिम्टम्स होते हैं। तो पल्मोनरी के सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं और कफ के आपके सैंपल लेके डायग्नाइज थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे आपके ब्रेन में, स्पाइन में या फिर आपके एब्डोमेन में जो टीबी है उसका डायग्नाइज करना ही थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डायग्नाइज करने में हुआ था, बिकॉज टीबी डायग्नाइज होने से पहले से ही मैं अराउंड 45 डेज आई वॉज अनकॉन्शियस, आई वॉज इन आईसीयू, मैं आईसीयू में थी, बट फिर भी मेरा टीबी डायग्नाइज नहीं हुआ हो रहा था। तो बहुत टाइम बाद मेरा टीबी डायग्नाइज हुआ, तो सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए चैलेंजिंग यही रहा था, पहले टीबी डायग्नाइज होना। उसके बाद जब टीबी डायग्नाइज हुआ, मैं 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद मैं घर में आए, तो मैं 6 मंथ्स जो है मैं बेड रिडन थी। तो 6 मंथ्स जब मैं बेड रिडन थी तो उस टाइम मुझे मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी थोड़े से हुए थे, बिकॉज आई वॉज 23 दैट टाइम, मैं 23 साल की थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मेरी मम्मी ने किए हैं मेरे लिए, तो बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं बड़ी होके जॉब करके पैसे कमा के मम्मी के लिए कुछ करूं। बट 23 की एज में जब मेरे फ्रेंड्स के जॉब्स लग रहे थे, सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा था, तब मैं बेड रिडन थी और इवन मैं वॉशरूम्स भी नहीं जा सकती थी। 6 मंथ्स तक मैंने सिर्फ वो दूसरा वाला शार जो बेडरिडन लोगों को ऐसे नहलाते हैं वैसा वाला किया है, एंड उस टाइम 23 की एज में मेरी मम्मी मेरे को खिला रही है, मेरे को क्लीन कर रही है, तो वो सब देख के मुझे मेंटली भी बहुत ज्यादा एक अफेक्ट हुआ था मेंटली। उसके बाद जो है मेरा 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के 9th मंथ में थी जब मैंने यूट्यूब पे अपना फर्स्ट वीडियो शेयर किया था अबाउट माई
ब्रेन टीवी जर्नी, पता नहीं क्यों मुझे वैसा दिमाग में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो फिर मैंने एक वीडियो बना के शेयर करी थी। वो वीडियोस में थोड़े से व्यूज आए, उसमें कमेंट्स आए, फिर पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आपकी जर्नी देख के हम बहुत इंस्पायर हुए, आपको देख के अच्छा लगता है, आप और वीडियोस शेयर करो। फिर उनका जो है कमेंट्स आने लगे, वीडियो के रिक्वेस्ट आने लगे, फिर मैं वो करती गई। फिर मैं बहुत सारे पेशेंट्स से मैंने कनेक्ट किया, बहुत सारे पेशेंट्स से बात की व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। उसके बाद अभी ऐसा ही चल रहा है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी मेडिसिन में ले रही हूँ, बट काफी चेंजेस आए हैं उस टाइम से इस टाइम तक। मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया है, मेरे मेंटल हेल्थ भी अच्छा हुआ है, और अब लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज हम फाइट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत ही आपकी इस बात को बहुत बहुत ताकत कि आप किसी भी चीज से फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हिम्मत बहुत जरूरी है और आपने और भी बहुत से लोगों को हिम्मत दी है। ये बहुत 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 ही श्रेयस्कर बात है। तो आरती, क्या हम लोग डायग्नोसिस पे फिर से जा सकते हैं? टीबी की हम लोगों ने पढ़ा है कि टीबी की पक्की जांच पक्का इलाज, तो इसके बारे में दैट्स थोड़ा सा वेरी आप अपनी बात जरूर रखें। ऑफ सॉरी। कोर्स, क्योंकि अगर आपका सही टाइम पे आपका टीबी डायग्नाइज होता है तो टीबी के ट्रीटमेंट आपका आसान हो जाता है। जैसे इफ आई विल गिव माय एग्जांपल, तो मैंने टीबी के ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से बाद में जितना सफर किया, उससे पहले पहले मैंने ज्यादा सफर किया है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स से, उनकी फैमिली से मैंने बात किया है, उनकी डेथ हुई है ब्रेन टीबी में, उनमें बिकॉज उनका सही टाइम पे डायग्नाइज नहीं हुआ। मेरा भी अगर सही टाइम पे डायग्नाइज नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पेशेंट आई वॉज इन आईसीयू, आई वॉज अनकॉन्शियस, 1 महीने से ज्यादा हो गया था, तब भी मेरा डायग्नाइज नहीं हो रहा था। तो सही टाइम पे जो है पकड़ना जरूरी है। और दूसरा बात ये भी है कि थोड़ा सा ये उससे पहले भी एक अवेयरनेस चाहिए हमारी सोसाइटी में, टीबी के लिए अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि लोग ना छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, फिर जब वो इग्नोर करते हैं, जब बढ़ते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी उनको वो होता है। तो अगर सब में अवेयरनेस होता है कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि टीबी का सिम्टम है, फिर जल्दी से वो टेस्ट करें, जल्दी से उनकी टीबी के मेडिसिन स्टार्ट होती है, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड का भी चांसेस कम हो जाता है। अगर पेशेंट को टीबी डायग्नाइज नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक पेशेंट अगर मेरे घर में है, उसका टीबी डायग्नाइज नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो घर के पूरे पेशेंट को भी वो फैला सकता है ना, कम्युनिटी स्प्रेड का भी इसमें खतरा है। तो डायग्नोसिस सही से होना चाहिए। और अभी जो है माइक्रोस्कोपी तो पहले, अभी 2015-16 तक भी होता था, अभी तो हमारा, मेरा जब हुआ था, मेरा वही हुआ था, ट्रू नैट हुआ था, सीबीना जीन एक्सपर्ट यही हुआ था, और अभी शायद सभी हॉस्पिटल्स में यही होता है। और जब भी टीबी का डाउट हो तो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट कराए, वही बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टीबी की जांच अगर पक्की हो और जल्दी से जल्दी हो तो ना केवल उस व्यक्ति के लिए ज्यादा हितकारी है, क्योंकि उसको कम कष्ट होगा और वो इलाज सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं, और उसका टीबी पूरी का फैलाव कम्युनिटी भी के रुकता है। लिए जी, कम्युनिटी स्प्रेड ज्यादा होता है ना, अगर किसी को टीबी है और उसका डायग्नोस नहीं हो रहा है तो उसको पता भी नहीं चलता, उस वो बहुत सारे लोगों को, दूसरे लोगों को भी स्प्रेड हो चुका होता है। तो अगर सही टाइम पे डायग्नोस और सही टाइम पे ट्रीटमेंट होता है, तो ये प्रिवेंटिव भी होता है एक तरह से, कि दूसरे लोगों को भी नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। बिल्कुल, और हर 10 में से 3 से 4 ऐसे टीबी से ग्रसित लोग हैं जिनकी जिनको जांच भी नहीं मिल पाती दुनिया में, और भारत में भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिल पाती। तो ये भी बहुत जरूरी है कि तो सबको जांच मिले, पक्की मिले, और अर्ली डायग्नोसिस एक रियलिटी बने मॉलिकुलर टेस्ट के साथ कम से कम। तो इसके हम लोग प्रिवेंट टीबी की भी बात कर लें। आपका जब इतना अभी चल ही रहा है संघर्ष, इतना लंबा भी हम लोग ट्रीटमेंट पर आते हैं, तो पहले आप ये भी बताइए कि क्या क्या आपको स्पेशल के परिवारजनों को, आपके जो प्रियजन हैं उन लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ी, जिससे शुरू जब वो दौर होता है जिसमें फैल सकती है। और जी, एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ टू द ऑडियंस, ऑफ कोर्स आपको पता है, मुझे पता है, बट टू द ऑडियंस, जब हम सुनते हैं कि टीबी है, तो बहुत सारे इसमें ना मिसकंसेप्शन है टीबी को लेके। पीपल आर वो सोचते हैं कि टीबी है तो ये टीबी स्प्रेड ही होता है, बट सच ये है कि सिर्फ पल्मोनरी टीबी, आपका लंग्स टीबी जो है वो स्प्रेड होता है, बाकी आपके जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो स्प्रेड नहीं होता है।
जैसे ब्रेन, स्पाइन, एब्डोमेन, अगर आपको जेनिटल एरिया में टीबी है तो वो स्प्रेड हो सकता है किसी उसमें। तो पहले तो ये बात, और मेरा सेंस पहले मुझे ब्रेन और स्पाइन में टीबी था, तो मेरी फैमिली ने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं दिए, और हम लोग साथ ही रहते थे, साथ ही खाते थे, मेरी मम्मी उनके ही उससे खिलाती थी मुझे, तो इतना ज्यादा हमने नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं था, जब ब्रेन एंड स्पाइन टीबी स्प्रेड नहीं होता। तो लेकिन 2 साल बाद जब मुझे लंग्स में टीबी हुआ, तब मेरी फैमिली ने थोड़े से मेजर्स लिए थे, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं यहाँ पे, मेरी फैमिली नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जैसे मास्क, मैं उनके सामने साथ में जाती तो मास्क लगाती, इवन डॉक्टर ने बोला भी था कि सिंस 2 साल मैंने एटीटी लिया है और कल्चर भी मेरा नेगेटिव है तो स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है, फिर भी मन में डर तो रहता ही है। तो अगर किसी की फैमिली में किसी को लंग्स टीबी है तो मुझे लगता है कि फैमिली को प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने ही चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पेशेंट के पास में है, बात कर रहे हैं, तो मास्क लगाना चाहिए। और ये प्रिवेंटिव मेजर्स के उसमें ऐसा भी होता है, बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है कि एकदम ही आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को। कोई कोई पेशेंट ने अपनी ट्रीटमेंट बालकनी में रह के भी किया है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो एकदम ही आइसोलेट नहीं करना है। टीबी स्प्रेड कैसे होता है? अगर आपकी टीबी के पेशेंट कफिंग करते हैं, वो स्पिट करते हैं कुछ, उसी से तो आपका बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ये भी है कि एक बेड पे नहीं सोना है, एक चादर नहीं बिछाना है, हग नहीं करना है। तो मैं टीबी के पेशेंट्स के, अगर कोई फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर आपके घर में टीबी के पेशेंट है तो सिर्फ उनका जूठा मत खाइए, आप लोग मास्क लगाइए और उनका जूठा मत खाइए, बाकी आप उनको जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जितना उन्हें केयर करें, यही अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बिकॉज बहुत, हाँ प्रिवेंशन के उसमें कुछ कुछ फैमिलीज ऐसे भी कर देते हैं कि कंप्लीटली आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप पेशेंट के साथ है तो मास्क पहन सकते हैं, और सेम प्लेट से खाना नहीं खाइए, सेम बॉटल से पानी मत पीजिए, वही है। बहुत बहुत ही आपने जरूरी बातें ये रखी हैं यहाँ पे, और सब लोग मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी बातें हैं, बहुत और क्लैरिटी के साथ कि फेफड़े की टीबी और लंग्स की टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि आरती आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात रखी कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के जो बहुत ही लोग कठोर कदम उठा लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, यस, जैसे कि उसको जरूरत अलग कर नहीं है, देना, बिल्कुल भी जरूरत वो नहीं है। उससे ना केवल मरीज का मनोबल टूटता है बल्कि ये इस स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत नहीं है, यस यस, कोई उसका स्टिग्मा बहुत ज्यादा, वैज्ञानिक आधार नहीं है। सॉरी, हाँ बताए। यस, कोई कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है उसका, लेकिन ये बरसों से यही सुनते आ रहे हैं ना कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। लोग सुनते हैं टीबी तो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, अभी तो इसके पास ही नहीं जाना है। मेरे साथ कभी पर्सनली ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज मेरा एक तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी था, और दूसरा मेरी बहुत ही स्मॉल फैमिली और सोशल सर्कल भी बहुत ही स्मॉल है। जितने भी लोग हैं मेरे होम टाउन में है, रिलेटिव सब कुछ वहाँ है, हम लोगों का ट्रीटमेंट पूरा बैंगलोर में हुआ, तो वी आर फैमिली ऑफ थ्री ओनली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी। और ये जो है, मैंने जो लोग रूरल एरिया से है, विलेजेस से है, वहां से मैंने सुना है, और लोग ना डायरेक्टली किसी किसी टीबी पेशेंट्स को, हमारे ग्रुप में एक है छोटा भाई है 17-18 इयर्स का, कुछ दिन पहले ही उस ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मैसेज भी है, वो ग्रुप में ऐसे बता रहा था कि मैं डॉट सेंटर गया था, मेडिसिन का शॉर्टेज चल रहा है अभी, एमडीआर टीबी के मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है। तो ही वॉज सेइंग कि मैं डॉट सेंटर गया था, वहां के एम्प्लॉय ने, मेरे फ्रेंड के साथ में गया था मैं, ही वेंट विद हिज फ्रेंड, तो वहां के एम्प्लॉय ने उसके फ्रेंड को बोला कि इसको टीबी है, ये तो मरने ही वाला है, तुझे भी लग जाएगा, तू तो दूर रहे, ऐसे करके। सो ये टाइप का स्टिग्मा होता है, और ये स्टिग्मा नॉर्मली विलेजेस में भी नहीं, उसके उसके साथ तो डॉट सेंटर में हुआ है, हेल्थ केयर में हुआ है उसके साथ, ऐसे स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों को ये साइंटिफिक रीजन समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि टीबी फैलता कैसे है, क्योंकि यहीं पे सारी गड़बड़ ना यहीं पे हो जाती है, कि लोगों को लगता है कि एक ही टॉयलेट यूज करने से फैलता है, साथ में रहने से फैलता है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि टीबी ऐसे नहीं फैलता है, टीबी एक बैक्टीरिया जो आपके कफ करने से, या फिर आप स्नीजिंग करते हो, उस तरह से ही फैलता है। तो
आपको अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेना है तो टीबी के पेशेंट के साथ आप जब वो आप मास्क लगाइए, उनका जूठा मत खाइए। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज को बहुत बड़ा के बहुत ज्यादा ही इसका मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और खास तौर से टीबी स्टिग्मा को तो सबसे पहले स्टैम्प आउट करना जरूरी है, अगर हम लोग को यस टीबी एंड टीबी की बात भी करनी है तो। यस सर, राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को ना टीबी, आप मेडिसिन्स तो दे ही रहे हो, आप डाइट तो दे ही रहे हो, लेकिन उसमें मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और आप एमडीआर टीबी के टैबलेट्स, इवन ड्रग सेंसिटिव टीबी के टैबलेट्स से भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जब हम बात करते हैं टीबी की, बात करते हैं टीबी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स की, बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स में आपको बॉडी में, आपकी बॉडी में इचिंग रैशेस हो रहे हैं, वो बाहर से दिखते हैं, आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, सब कुछ बाहर से दिखता है, लेकिन उस पेशेंट की मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं होता है। तो इंसान को जितना मेडिसिन और डाइट की जरूरत होती है, उतना ही इमोशनल एक सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। और मुझे लगता है आज के टाइम में भी ये मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिसिंग है, क्योंकि जो टीबी के एमडीआर टीबी के मेडिसिन है उनसे थोड़ा सा स्किन कलर डार्क हो जाता है और पेशेंट की वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लोग ना कैजुअली बोल देते हैं कि इस लड़की को तो टीबी हो गया, इसकी अब शादी नहीं होगी, इसका करियर खत्म हो गया। ये बहुत बार मैंने सुना है अपने व्यूअर्स से कि हमको तो बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं होगी, अब हम हमारी करियर खत्म हो गया, अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पेशेंट के मोरल को कम कर रहा है। उस उसके अंदर एक, अगर कोई, आप ऑलरेडी बीमार हो, आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उस टाइम पे अगर उस पेशेंट को ऐसे बोले कि तुम्हारा करियर खत्म हो गया, अब तुम्हारा शादी नहीं हो सकता, तो उसको मेंटली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है उस चीज से। तो ये स्टिग्मा का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका टीबी है तो आपका लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा। हमारे ग्रुप में एक है टीबी चैंपियन भी है, विजेता दी, विजेता शर्मा उनका नाम है, आपने उनका आर्टिकल्स भी पढ़ा होगा पेपर्स में। तो उन्होंने अपने टीबी के टाइम पे अपना जो है एमबीए कंप्लीट किया था, उसके बाद उन्होंने, वो जॉब भी करती है, उनकी मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल है, उन्होंने शादी भी करी है। इनफैक्ट जब मेरी मुझे टीबी डायग्नाइज हुआ था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी हुई टीबी डायग्नाइज होने के बाद, जब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तब मेरी शादी हुई। तो इट डिपेंड्स ऑन लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है टीबी को लेके। तो मेरे इन-लॉज या फिर मेरे हस्बैंड, उनको पता था कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कंट्रोल होती है, ठीक होती है। तो मेरी शादी हो गई टीबी के बीच में ही। तो जब भी कोई मुझे बोलता है कि पास में लोग ऐसे बोलते हैं, तो मैं बोल देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत 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 मुबारकबाद आपको और आपके जो हम सफर हैं दोनों को, बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब लोगों की तरफ से। थैंक यू सर, अभी तो एक मेल साल चलो हो गया है। थैंक बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत लंबा सफर आगे है। मे लव ऑलवेज अराउंड यू बोथ। बहुत ही आपने आज पॉजिटिव स्टोरी और बताई और हम लोगों के साथ बांटी, और ये बहुत हिम्मत देगा लोगों को और स्टिग्मा भी तोड़ने में बहुत मदद करेगा। और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। यस सर, तो आरती, आप ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा यस बताएं, सर। तो क्योंकि टीबी के ट्रीटमेंट, इतना लंबा ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है यूजुअली ब्रेन टीबी का। अभी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें लंग्स टीबी का भी 6 to 9 months ड्रग सेंसिटिव लंग्स टीबी का लग जाता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का, ब्रेन स्पाइन टीबी का आपका 18 to 24 months का ड्यूरेशन है। लेकिन मैंने बहुत कम सुना है कि 18 months में पूरी तरीके से पेशेंट ठीक हो गया, उनका ट्रीटमेंट एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, और एमडीआर एक्सडीआर का भी 18 to 24 months हो रहा है। तो ये जो लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है ना, इससे पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट शॉर्ट रेजिम निकले हैं 4 months का, 6 months का, अगर ये हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतने टॉक्सिक दवाइयां हैं और डेली बेसिस पे हमें लेना है, और डेली बेसिस पे दवाई लेते टाइम क्या होता है, क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फॉर द फर्स्ट 6 months आई वॉज टोटली बेड रिडन। उस केस में भी जब मैं टैबलेट लेती थी तो एवरी डे आई यूज टू वॉमिट। 6 months मैंने कंटिन्यूअसली एवरी डे आई यूज टू वॉमिट। जब 6 month के बाद मेरा लेवोफॉक्स टैबलेट बंद हुआ था, उस टाइम से मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई।
अब भी मुझे नौजिया बहुत ज्यादा होता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, और ये जो टीबी के टैबलेट्स के साइड इफेक्ट होते हैं आपके फिजिकल हेल्थ में तो होता ही, लेकिन मेंटल हेल्थ में जैसे एमडीआर टीबी मेडिसिन है, इवन ड्रग सेंसिटिव के मेडिसिन भी है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा ही अफेक्ट करती है। लोगों को पेशेंट्स को साइकोटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, और एक चीज ये भी हो रहा है कि पेशेंट को मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, साइकोटिक सिम्टम्स हो रहा है, ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है। बट ये सिर्फ जो हम मेडिसिन दे रहे हैं या तो हमें पता है या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उन्हें पता है, जो नॉर्मल सराउंडिंग में लोग हैं उनको नहीं पता है। तो जैसे पेशेंट रिएक्ट कर रहा है जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से, जो पेशेंट के मेंटल हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है वो दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमारी फैमिली ही हमें नहीं समझती है, हमारे दोस्त ही हमें नहीं समझते हैं। और कभी कभी मेरा, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताऊं, तो आज के टाइम में जो मेरे पहले टीबी होने से पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे, अभी मैं उनके साथ बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं वाइब्स मैच नहीं हो रही है, कहीं कुछ चीजें मैच नहीं हो रही है। और अभी जो मैंने टीबी होने के बाद जो लोगों ने टीबी का एक्सपीरियंस किया है उनके साथ जब मैं बात करती हूँ, तो एक बात करने का होता है कि सब कुछ मैच हो रहा है, क्योंकि जिसने दवाई ली है, जिसने ट्रीटमेंट ली है, उसको ही पता होता है, तो वही दोनों में से रिलेट कर सकते हैं, बाकी दुनिया रिलेट नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से ये लॉन्गर ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट के फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। कोई कोई पेशेंट जो है इतना लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट है, इसकी वजह से बीच से वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बीच में दवाई, क्योंकि सब में इतना हिम्मत नहीं होता है, आपको डेली मेडिसिन लेना है, डेली आपके ये साइड इफेक्ट झेलना है, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है। कोई कोई पेशेंट्स बीच में मेडिसिन छोड़ देते हैं, कोई कोई पेशेंट साइड इफेक्ट की वजह से स्किप कर देते हैं। जैसे अभी आपने एक मेडिसिन ली, आपको वॉमिट हो जाता है, तुरंत आपको वॉमिट हो गया, तो पेशेंट्स सोचते हैं कि आज दूसरे जो बचे हुए मेडिसिन है आज नहीं लूंगा, कल लूंगा। तो ऐसे करके लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की मेडिसिन का तो ऑलरेडी साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, उस पे भी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इतना लंबा है तो पेशेंट साइड इफेक्ट को ही नहीं झेल पा रहा है। इसीलिए अगर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट होता है 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल पर्सनली मुझे क्या साइड इफेक्ट हुए थे ये बताऊं, तो मुझे जब से टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तब से मेरी बॉडी पे इतने ज्यादा रैशेस हैं, आई हैड टू गो टू डर्माटोलॉजिस्ट, और उसके बाद मैं डर्माटोलॉजिस्ट से एक मेडिसिन एक टैबलेट में डेली लेती हूँ, अगर वो टैबलेट में नहीं लूँ तो मेरी बॉडी में इतने ज्यादा रैशेज होता है, उसके साथ साथ इचिंग होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन रेगुलरली होता है। आपको ड्रग सेंसिटिव टीबी हो या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन मेडिसिन लेने के बाद ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। और सिंस मेरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी था, मेरा ब्रेन टीबी था, तो ब्रेन टीबी में या फिर ब्रेन टीबी के साथ अगर आपको हाइड्रोसेफेलस या फिर ब्रेन में इंफ्लेमेशन, स्पाइन में इंफ्लेमेशन, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको स्टेरॉइड, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड देते हैं। और आपको भी पता होगा स्टेरॉइड्स के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट की वजह से मुझे स्टेरॉइड के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे, यहाँ तक साइड इफेक्ट हुए थे कि वो बोन्स को डैमेज करते हैं। तो 1.5 साल स्टेरॉइड लेने के बाद मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो मेरा बोन डैमेज हुआ है, न्यू बोन्स नहीं बन रहे हैं, उसके लिए मुझे रेगुलरली इंजेक्शन, डेली इंजेक्शन मेरे को लेना पड़ रहा है, और उसके टैबलेट्स भी अलग से चल रहे हैं। तो स्टेरॉइड से मेंटल हेल्थ में भी साइड इफेक्ट होता है, बोन्स में साइड इफेक्ट होता है, और जो टीबी के टैबलेट्स होते हैं उससे भी बहुत ही ज्यादा है साइड इफेक्ट्स, फिजिकल साइड इफेक्ट्स, मेंटल साइड इफेक्ट्स। तो अगर टीबी ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है अगर वो कम होता है, इफेक्टिव मेडिसिन के साथ अगर ड्यूरेशन कम होता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा मुझे लगता है। राइट. और आपको ड्रग रेजिस्टेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं है ना, ये ड्रग रेजिस्टेंट वाला टीबी है, नहीं, मुझे ड्रग सेंसिटिव ही है, मुझे ड्रग ब्रेन सेंसिटिव. स्पाइन ओके लंग्स ड्रग सेंसिटिव ओके ही है। ओके चलिए, हम लोग की उम्मीद है जल्दी ये ट्रीटमेंट खत्म हो. और आपकी बात बिल्कुल सही है, ट्रीटमेंट अगर जो नए ट्रीटमेंट आए हैं जो WHO अप्रूव्ड हैं वो उनकी ड्यूरेशन कम है, वो टॉक्सिक कम है और इफेक्टिवनेस ज्यादा है. तो वो और अधिक कई उनमें से तो भारत में ही बनते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम लोग दुनिया को
मेडिसिन सप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ भी नए ट्रीटमेंट सबको पहुँचने चाहिए। बिल्कुल। यस, तो यहाँ पे होने चाहिए। हाँ, अब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपने कैसे कोप किया ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, फॉर एग्जांपल, इससे और लोगों को भी शायद थोड़ा राह मिले, थोड़ी रोशनी मिले कि क्या कर सकते हैं। यस सर, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, स्पेशली एमडीआर टीबी मेडिसिन का। बिकॉज मुझे एमडीआर का एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से एमडीआर टीबी का जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन ड्रग सेंसिटिव के जो चार ड्रग्स हैं, उनमें से भी दो तीन ड्रग्स का मेंटल हेल्थ पे साइड इफेक्ट होता है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे मेंटली बहुत ही ज्यादा, एक होता है ना वो मेंटल हेल्थ मेरा बहुत ज्यादा खराब हो गया था उस टाइम। बिकॉज उसका रीजन ये था कि आई वॉज बेड रिडन। अगर मुझे सिर्फ टीबी होता, मैं चल फिर पाती तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है, या फिर मेरे को बचपन से ऐसा है कि मतलब मुझे किसी चीज से इतना डर नहीं लगता है, वो है मेरे में, तो मेरे को इतना नहीं था। बट जो मैं बेड में 24 घंटे में बेड में लेटी हुई हूँ, उसके बाद ठीक से सो नहीं पाते हैं, हेड में इतना पेन है, लेग में इतना पेन है। 7 मंथ्स मुझे कैथेटर लगा हुआ था यूरिन के लिए, 7 मंथ्स मुझे यूरिन ट्यूब लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल मुझे लेके जाते थे। हम लोग सेकेंड फ्लोर में रहते थे, तो सेकेंड फ्लोर से मेरे हस्बैंड मुझे उठा के नीचे गाड़ी में बिठाते थे, फिर वहां से हॉस्पिटल जाके भी मुझे व्हील चेयर में, तो वो सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वहां जाके जब मेरा कैथेटर निकालते थे, तो मुझे 4 घंटे 5 घंटे पानी पिला के रखते थे, 4 घंटे 5 घंटे पानी पिला के भी मेरा यूरिन पास नहीं होता था, तो फिर मुझे वापस कैथेटर लगा के भेज देते थे, फिर व्हील चेयर में ऐसे करके आना। तो जो व्हील चेयर का पीरियड था, जो बेड रिडन होने का पीरियड था, उसमें मुझे बहुत ही खराब लगता था, मेंटली बहुत खराब लगता था। रात को मैं 1 बजे 2 बजे रात को मैं उठ के रोती थी, और मुझे हालुसिनेशंस भी होता था कभी कभी, नाइटमेयर्स होते थे। तो रात को 3 4 बजे अचानक से मैं सपने से जग के एकदम से रोने लगती थी। और सिंस मेरे जो ब्रेन में ये था कि इन्फ्लेमेशन था, या फिर वो पानी जमा हुआ था, उसके लिए थोड़ा सा मेरा बिहेवियर चेंज होता था, एकदम से बिहेवियर चेंज होता था, ये सब होता था मुझे 6 7 मंथ से। उसके बाद जब से मैंने अपने पैरों पे मैं स्टैंड हुई हूँ, उसके बाद मेरे मेंटल हेल्थ का 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गया। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस दुख इसी बात का था कि मैं एकदम से बेड रिडन हूँ, मुझे हैंडीकैप वाली फीलिंग आती थी। तो जब मैं अपने पैरों पे चलना मैंने शुरू किया, तो जब मैं पहले चलती थी तो मैं ऐसे नहीं चलती थी, मेरी मम्मी मैट्रेस लगा देती थी, मैट्रेस के ऊपर चलती थी मैं, ताकि अगर गिरूं भी तो सही सेफ प्लेस पे गिरूं। तो ऐसे करके जब मैंने सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट किया, तो वहां पे मेरा 70% मेंटल स्ट्रेस तो वहीं पे खत्म हो गया। फिर दूसरी चीज ये होती है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अभी भी, मैं किसी चीज से इतना डरती नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे एक लेडी का मैसेज आया, आई डोंट वांट टू रिवील हर आइडेंटिटी, बट मैं बिना नाम लिए तो बोल ही सकती हूँ। तो शी सेड टू मी कि अभी उनका ब्रेन टीबी हुआ है, उनकी 1 महीने की बच्ची है, आफ्टर डिलीवरी उनका ब्रेन टीबी हुआ है, 1 महीने की बच्ची है, एंड उनके हस्बैंड उनको डाइवोर्स करे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको टीबी हुआ है, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ऐसे। तो पेशेंट इतना सबसे गुजर रहा है, ऊपर से फैमिली का सपोर्ट भी ना मिले तो वो टूट जाता है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टिग्मा ऐसा फेस नहीं करना पड़ा पर्सनली। तो वो भी मेरा सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट। और उसके बाद जब 9th मंथ ट्रीटमेंट में मैंने वो वीडियो बनाई, मैंने यूट्यूब में किया, इतने ज्यादा लोगों ने मुझे कमेंट किया, लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपको देख के हिम्मत मिलती है, आपको देख के इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो अंदर से एक मेरे में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया कि अब तो मुझे ऐसे नहीं करना है। तो जब भी मुझे कभी कभी मुझे अभी भी मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता है, बिकॉज नाउ ऑल्सो मेरे लेग में अभी भी, राइट नाउ भी मेरे लेग में बहुत प्रॉब्लम है। कल मैं
डॉक्टर के पास जाके आई हूँ। अभी मेरा आर्थराइटिस का ये टेस्ट भी दिया है, न्यूरोपैथी का भी प्रॉब्लम था। तो अभी अभी भी मुझे कभी लो फील होता है तो इफ ऑडियंस में कोई टीबी पेशेंट देख रहा है तो वो भी इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी मुझे लो फील होता है, मैं अकेले कभी नहीं बैठती हूँ, मैं किसी ना किसी के साथ बात करती हूँ। जो भी मुझे फील होता है वो मैं शेयर करती हूँ, और वो शेयर करने के लिए सही इंसान भी आपको चाहिए होता है जो आपको समझे। तो मैं हमेशा, माई मदर इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं सारी चीजें मम्मी के साथ शेयर करती हूँ, अकेले कभी नहीं रहती। और सिंस मैं पेशेंट हूँ, नाउ आई एम नॉट वॉकिंग, तो मैं इतना ज्यादा कर भी नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। बट जितना भी हो सकता है ना, कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपना काम खुद से करूँ। वो मैंने 7-8 मंथ से ही करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अपना काम खुद से करूँ, अपना ब्रेकफास्ट खुद से बनाऊँ, अपना खुद से करूँ जिस चीज में मुझे मन लगता है। मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं वो करती हूँ। और मुझे गार्डनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा लो फील होता है तो मैं क्या करती हूँ कि 5-10-15 मिनट मैं सोचती रहती हूँ उस बात को। फिर मेरे दिमाग में एक अलार्म जैसा बजता है कि अब ज्यादा नहीं सोचना है, अब इस चीज से निकल के कुछ पॉजिटिव में फोकस करना है। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, अब इतना छोटा सा पौधा भी उसको काट के फिर दूसरे गमले में डाल देती हूँ। तो वो वैसा करती हूँ मैं। मुझे भी लोग पूछते हैं कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो ऐसे करके, बट सच तो ये है ना सर कि कोई भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है। इवन बिना टीबी वाले लोग, नॉर्मल कोई बीमारी बिना वाले लोग भी पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अगर 90% नेगेटिव है और उसमें से अगर 10% कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं वो पॉजिटिव में जाऊँ ऐसे। और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसे एंजाइटी होती है, मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, एंजाइटी होता है, तो आप लोग जो है अपने हॉबीज को फॉलो करो, या फिर ट्राई टू डू थिंग्स बाय योर सेल्फ। जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, आप बेड रिडन होके भी अगर आप कुछ करना चाहो ना तो आप कर सकते हो, बेड से भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी भी मेरे से पॉसिबल चीजें हो वो मैं ही करूँ। तो मैं अपनी सारी पर्सनल काम मैं खुद करती थी स्टार्टिंग से ही, फिर जितना हो सकता है उतना मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ तो मैं पॉजिटिव रखती हूँ ऐसे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपनी कंडीशन को कंपेयर करते हैं एक हेल्दी इंसान से। तो पहले फॉर द फर्स्ट 6-7 मंथ्स मेरा क्या था कि मैं, मेरी फ्रेंड जो है, मेरे फ्रेंड्स थे वो एजुकेशन कंप्लीट किया उन्होंने, फिर वो अब जॉब करे, तो मैं उनके साथ कंपेयर करके मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी तो टीबी ने लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसे मेरा ऐसा सोचना था फॉर द फर्स्ट 6-7 मंथ। बट जब से मैंने यूट्यूब पे टीबी के बारे में लोगों से बात की है, दूसरे पेशेंट से बात की है, तो मुझे पता चला कि मेरा सफरिंग तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अभी मेरे एक भैया है, उनको मैं भैया बोलती हूँ, वो 3 साल से उनको ब्रेन ट्यूमर है, 3 साल से वो पैरालिसिस है और अभी भी वो आईसीयू में है। कल ही मेरी उनकी मम्मी से बात हुई थी, अभी भी वो आईसीयू में है, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, सर्जरी में भी प्रॉब्लम हुई। तो कभी कभी अगर आपको फील हो कि मेरी लाइफ बहुत खराब जा रही है, तो कभी उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे भी ज्यादा सफर कर रहे, फिर आप थैंकफुल होगे कि आप बेटर प्लेस पे हो। तो मैं तो हर दिन भगवान का यही शुक्रिया करती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, मेरे को लगता है कि मैं अभी भी ठीक हूँ, अभी भी अच्छे प्लेस पे ही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी जरूरी हो जाता है कि आप किसी ऐसे इंसान को देखो आपसे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं दुनिया में लोग। हमें अपना ही दुख बड़ा लगता है, ये सबको अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे भी है वो भगवान का थोड़ा सा ब्लेसिंग है कि इस पोजिशन में अभी है कि खुद से बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत ही आपने बढ़िया बात कही। और आप वो तो छोड़िए कि आप किसी पे निर्भर हो, आप तो खुद ही औरों का सहारा बन रही हैं। आप जब भी कह रही थी तो एक बहुत एक बहुत पुराना गाना है कि वो औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। बिल्कुल ये सही बात है कि हम लोग को अपना अपना कष्ट अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम लोग और लोगों से के साथ जुड़ते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो शायद ऐसा हो कि आपको अपना गम भूल जाए और दूसरों का गम देखकर आप सहारा उनको दे सकें। तो ये, और आप तो हूबहू कर रही हैं, ये तो बहुत आपको सलाम इस बात को लेके। तो आरती, अब हम लोग खत्म कर रहे हैं इसको, रैप की तरफ हैं, तो अगर आप कुछ कहना और चाहें तो ये अच्छा वक्त है।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि भी पेशेंस से या फिर पेशेंस की फैमिली से, सबसे पहले तो पेशेंस से कि आप एक बात दिमाग में बैठा लो, टीबी इज टोटली क्योरेबल। आपका टीबी पूरी तरीके से क्योर होगा है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी टैबलेट सही टाइम पे लेनी है, अपना अच्छा डाइट लेना है, और जितना हो सके आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अपना विल पावर को बढ़ाओ, क्योंकि एक दवाई काम करती है, डाइट काम करती है, लेकिन पेशेंट के अंदर का जो होता है ना, कि सबसे पहले आपको अपने डर से लड़ना है। जिस दिन आप अपने डर से जीत गए, फिर आप सब कुछ जीत सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने मन से, जो आपके मन में जो डर है, उससे लड़ो, उससे आप ओवरकम कर गए, फिर आपकी आगे की जर्नी आसान होगी। क्योंकि मैंने पर्सनली 2.5 साल ट्रीटमेंट लिया है, अभी मुझे ऐसा है कि आगे जितना भी लेना होगा मैं ले सकती हूँ, ऐसा मेरे है। अभी अंदर से अगर मुझे कुछ होता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ राइट नाउ कि मुझे आगे जितना ट्रीटमेंट लेना पड़े मैं ले सकती हूँ। मेरा बस यही कंसर्न है कि मेरी फैमिली को कुछ मेरी वजह से, क्योंकि मेरी वजह से बहुत सफर किया है मेरी फैमिली ने, तो मैं कभी सोचती हूँ कि घर पे बैठ के मुझे अगर टैबलेट्स ही लेना है तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन फिर से मैं अगर हॉस्पिटलाइज होंगी, आईसीयू में जाऊंगी, ऐसा वैसा होगा, तो फिर मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली ही सफर करती है। क्योंकि आप जो पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट के साथ साथ पेशेंट की फैमिली बहुत सफर करती है। तो अगर आप पेशेंट हो तो अपना विल पावर बढ़ाओ, अपने अंदर के डर से लड़ो, अपने अंदर के डर से आप जीत गए तो आप किसी भी चीज से जीत सकते हो। और पेशेंट की फैमिलीज के लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आपने जो टीबी के ऊपर इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन है, उस पर तो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा सोर्स से, आप वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए, और पेशेंट को आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी आपको देना चाहिए। सब बहुत जरूरी बातें आपने कही और इतने इतने अच्छी तरह से समराइज किया है कि मुझे लगता है कि ये बातें सब तक पहुंचे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो प्रयास है ये आगे जाएगा और सही मायने में, ना कि आप तो लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव बदलाव ला ही रही हैं जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम के तौर पे भी इसको लिया जाए और ये क्योंकि ये सारी बातें डुएबल, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, इमोशनल हेल्थ सपोर्ट की बात हो, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई बातें हो, तो मुझे लेट्स होप कि इससे रियल पॉजिटिव चेंज आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरती, आपको आपका जो कंटेंट क्रिएशन का काम है वो बहुत ही सृजनात्मक काम है और बहुत हिम्मत देता है बहुत से लोगों को। तो बहुत बहुत आपको ताकत और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके हमसफर, आपके हस्बैंड, आपके मदर, आपके परिवार के उस प्रियजनों को जो आपके साथ इतनी मजबूती के साथ रहे और खड़े हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी आपके साथ फिर से एक बार बात करेंगे जब आप लाइन के उस पार होंगी सर्वाइवर की तरह और दूसरों यस को सहारा बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेट्स होप और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आरती फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय।